फ्रेंड दिस इज मुकेश फ्रॉम एकेडमी। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे पेपर वन का मरीन रिसोर्सेज, मेंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें शॉर्ट नोट्स जो है जनरली नहीं आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 से 12 मार्क्स का। और अगर मरीन रिसोर्सेज से शॉर्ट नोट्स आता है तो या तो वो एबायोटिक रिसोर्सेज पूछते हैं या बायोटिक रिसोर्सेज पूछते हैं, क्योंकि सारा शॉर्ट में लिखना नामुमकिन के बराबर ही है। शुरुआत करते हैं मरीन रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन से, क्योंकि आधा क्वेश्चन जो है इस चार्ट से ही सॉल्व हो जाता है। छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको मैं पहले ले रहा हूँ। मरीन रिसोर्सेज को जो है मैं दो भागों में बांट देता हूँ। पहला रिसोर्सेज होंगे बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा होगा ए बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब जो सजीव है, जिनमें जान है, और जो निर्जीव रिसोर्सेज है उनको ए बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज को वो भी कहां जो समुद्र में रह रहे हैं उनको मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूं। एक होते हैं आपके प्लैंकटॉन्स, आपने नाम सुना ही होगा प्लैंकटॉन्स का, इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ी देर में बताता हूं आपको। ये हो गया प्लैंकटॉन टाइप्स, दूसरा हो गया आपका नेक्टॉन टाइप्स, और तीसरा हो गया बेंथोस टाइप प्लैंकटॉन। अब जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप लिखते रहो, अलग से मैं इन्हें लिखवाऊंगा नहीं। प्लैंकटॉन वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करते हैं, मर्सी ऑफ द वेव्स, मतलब समुद्र की लहरें आए और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। तो याद रखना इनके खुद के मूवमेंट के सिस्टम नहीं होते हैं, ये डिपेंड करते हैं मर्सी ऑफ द वेव्स या करंट्स। फाइटोप्लैंकटॉन जो होते हैं दो तरह के फिर से डिवाइड होते हैं, जिनको बोलते हैं हम प्लैंकटॉन जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंकटॉन और एक होता है जूप्लैंकटॉन। फाइटोप्लैंकटॉन का मतलब जो प्लांट किंगडम से रिलेटेड प्लैंकटॉन है उनको फाइटोप्लैंकटॉन बोलते हैं, और जो एनिमल किंगडम से रिलेटेड प्लैंकटॉन है उनको जूप्लैंकटॉन बोलते हैं। अब हम बताते हैं फाइटोप्लैंकटॉन के बारे में। फाइटोप्लैंकटॉन क्या करते हैं, जिस तरीके से हमारे अर्थ पे टेरेस्ट्रियल सिस्टम पे पेड़ पौधे जो काम करते हैं वैसा ही काम समुद्र में कौन करता है, फाइटोप्लैंकटॉन। तो मैं ये कह सकता हूँ सूरज के प्रकाश में सबसे पहले क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हुए, यही लोग हुए प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो इनको मैं प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और पूरे एक्वेटिक या मरीन रिसोर्सेज जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं उनकी सबसे पहली कड़ी क्या होती है, फाइटोप्लैंकटॉन ही होती है। फाइटोप्लैंकटॉन होते हैं CO2 को अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, अब्जॉर्ब और O2 को रिलीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि फाइटोप्लैंकटॉन की जो इक्वेशन, फाइटोप्लैंकटॉन की फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, CO2 की उपस्थिति में और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओशन को क्या माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक, नेचुरल सिंकर। तो जितने ज्यादा फाइटोप्लैंकटॉन होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, CO2 को ये ऑब्जर्व करेंगे और उतना अपना खाना बनाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइटोप्लैंकटॉन, और फाइटोप्लैंकटॉन ही डिसाइड करते हैं किसी भी मरीन जो रिसोर्सेस का एरिया है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है क्या नहीं है। जहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं वहां प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और जहाँ फाइटोप्लैंकटॉन नहीं हो पाते तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी उनकी जीरो होती है, उनको डेजर्ट जोन भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। मैं बता जूप्लैंकटॉन, जूप्लैंकटॉन में वही होगा जो आप इससे रिलेटेड है, जो एनिमल से रिलेटेड है। फाइटोप्लैंकटॉन पे आपके मेन जो है निर्भर कौन करेंगे, जूप्लैंकटॉन, और ये भी क्या होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो है ओशन की वेव्स टाइड इन सब पे निर्भर करते हैं। तो वो सारे क्या हो गए, जूप्लैंकटॉन। अब है नेक्टॉन। नेक्टॉन का मतलब होता है जो खुद के फास्ट स्विमर होते हैं, मतलब इनके अपेंडिज है या मूवमेंट करने के खुद के ऑर्गन है और बहुत तेज इधर से उधर क्या करते हैं, ये स्विम करते हैं, इनको एक्टिव स्विमर भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। और नेक्टॉन बहुत तरह के होते हैं, पहला जो है नेक्टॉन हो सकता है पेलेजिक। पेलेजिक के आगे लिखो जो सरफेस पे, ठीक है, सी की सरफेस पे बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं ऑर्गेनिज, वो कौन से मारते हैं,
पेलेजिक रिसोर्सेज में आते हैं। दूसरा हो सकता है हमारा डिमर्सल, मतलब जो क्या होते हैं जो डेप्थ में मिलते हैं, थोड़ी एक डेप्थ भी एक मिलना है सरफेस पे, ये भी एक्टिव स्विमर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस क्या होती हैं, ये फिश की वेराइटी, फिश की एक पैटर्न है, आप वो नहीं समझ पाते तो ऐसे लगते हो माइग्रेटरी फिशेस। तो क्योंकि कुछ सी से फ्रेश वाटर में भी जाती है, मतलब रिवर्स में भी जाती है, और कुछ फिशेज रिवर्स से कहा जाती है समुद्र में जाते हैं, तो वो सारी कैटेगरी इसमें आ जाएगी। और क्या हो सकता है, ओशन रेंचिंग हो सकता है। ओशन रेंचिंग, ओशन रेंचिंग में दो तीन लाइन लिखो कि ओशन रेंचिंग एक तरीके से जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ऐसी कॉन्सेप्ट है ओशन रेंचिंग का, और इसको हम ओशन हस्बेंड्री भी बोलते हैं। इसमें जनरली क्या है, ओशन हस्बेंड्री का मतलब कि ऐसी समुद्री प्राणी को कुछ सिखाया जाए और उनसे क्या किया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए, या उसको टूरिज्म में यूज किया जाए, या उसको ट्रेनिंग के पर्पज से यूज किया जाए। और ओशन हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है, डॉल्फिन को, और एक और है आपका पॉर्क और पॉइस, PORPOSISE, पॉर्पोइस और डॉल्फिन को आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में कि एक बीच में क्या हुआ, पॉन्ड होगा वहां पे डॉल्फिन डांस कर रही है, कुछ कर रही है, ये सब क्या है इनकम जनरेशन का भी काम करते हैं, तो ये भी रिसोर्सेस में आपके आते हैं। ओशन रेंचिंग हो गई। एक आजकल वेलिंग, वेल तो देखो जिंदा भी और मुर्दा भी, हर पार्ट इसका बिकता है, तो वेल जो है, वेल को क्या लिख दो आप, वेलिंग करके लिख दो, ठीक है। और जापान में तो स्टार्ट भी कर दिया है। वेल कौन कौन सी होती है इसके आगे लिखो, स्पर्म वेल, दूसरी बलीन वेल, और तीसरी हमबैक वेल्स। इनकी इनकी भी दो वैरायटी होती है वेल्स की, एक होती है दांत वाली, टूथ वाली, और एक होती है टूथलेस, जो बिना दांत वाली होती है। और जो बिना दांत वाली होती है टूथलेस, उनका ही सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और वो एक्सटिंक्ट होने के कगार में है। रिसेंटली जापान ने क्या कर दिया है, इंटरनेशनल वेलिंग से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे अलग हो गया है, और वो कह रहे हैं कि अब हम ट्रेडिशनल तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से हम क्या करेंगे, वेलिंग को अलाउ करेंगे। इससे हमारी इंडस्ट्री क्या है, डूबती जा रही है। अच्छा, पहले जिक जो हमने सरफेस से बात है, एक्टिव स्विमर जो होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लिख लो, इसमें आएगा हेरिंग्स, मिची डबल आ रही है। डिमर्सल जो कि एक डेप्थ पे मिलते हैं, इसमें कौन सा आ सकती है, हेलीबट आ सकती है, कॉड आ सकती है, तो इसमें लिख दो हेलीबट और कॉड। एक फिश और आ सकती है, हेडॉक, HADOCK, तो एग्जांपल भी लिखोगे तभी क्या होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। ओशन रेंचिंग हो गई, वेलिंग हो गई, फिर इसमें क्या है, मरीन कल्चर भी किया जाता है, ठीक है। मरीन कल्चर में आप किसी का भी कल्चर हो सकता है। तो ये हो गए आपके नेक्टॉन्स। बेंथोस में कौन से आ गए, बेंथोस मतलब जो एक एक हो गया सरफेस पे, फिर डेप्थ पे, और एकदम बॉटम पे जो रहे उनको बोलते हैं बेंथोस। और ये दो तरह के हो सकते हैं, मोबाइल बेंथोस जो चलते हैं बॉटम पे, और जो होते हैं इमोबाइल जो एक स्थिर अवस्था में ही पड़े रहते हैं, जो मूवमेंट इधर उधर नहीं करते हैं। अब मोबाइल में कौन कौन से आ गए आपको, जैसे क्रैप्स हो गया, ठीक है, स्नेल हो गए, ये हो गए मोबाइल में। और कौन से, लॉबस्टर बहुत टेस्टी होता है खाने में, लॉबस्टर को भी हम मोबाइल में डालेंगे। अब आए इमोबाइल, इमोबाइल में क्या होते हैं, फाइनेस्ट एग्जांपल इसका है कोरल पॉलिप्स, जिनका ज्योग्राफिकल ऑप्शंस होगा या जिनका क्या साइंस बैकग्राउंड बीएससी तक रहा होगा, JBC, उनको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गए हमारे बेंथोस। अब हम क्या पढ़ेंगे, एबायोटिक रिसोर्सेस को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। एबायोटिक रिसोर्स को क्या है, फिर दो तीन भागों में इसको भी बांटा गया है, इसको पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एबायोटिक को सबसे पहले मैं बांट रहा हूं मिनरल रिसोर्सेस में, मिनरल रिसोर्सेस में, और दूसरा बांट रहा हूं मैं एनर्जी रिसोर्सेस में। अब इसमें क्या क्या हो सकता है मिनरल रिसोर्सेस में, मिनरल रिसोर्सेस को दो भागों में दोबारा हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका सारे मिनरल्स एक साथ ले लो,
और दूसरा ले लो मिनरल फ्यूल। ठीक है, एनर्जी रिसोर्स मतलब क्या हो गई, ओशन से हम टाइडल एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, और वेव एनर्जी से कर सकते हैं, वेव है ठीक है, WAV वेव एनर्जी। तीसरी हो सकती है ओटेक। ठीक है, ओटेक क्या होती है, यहाँ पे सुना होगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, तो खुद इसको आप लिख लेना ओटेक। फिर क्या हो सकता है, एक ETC भी होता है, ये सारी चीजें हो गई एनर्जी रिसोर्सेस में। अब मिनरल रिसोर्सेस में हम फिर इनको मिनरल्स को देखते हैं कि जो मिनरल्स कॉन्टिनेंटल सेल्फ में पाए जाते हैं, कुछ मिनरल कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और मिनरल रिसोर्सेस में कौन आ गए आपके, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी कहाँ मिलता है आपका, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया में मिलता है। ज्योग्राफी ऑप्शन वालों के बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक है जी, तो हमने ये देखा कि मिनरल्स कौन से कॉन्टिनेंट सेल्फ और कॉन्टिनेंट स्लोप में मिलते हैं, और दूसरे के टाइप के हो गए कि जो एकदम कहाँ मिलते हैं, बॉटम में मिलते हैं, जिसको बोलते हैं डीप सी प्लेन में मिलेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमने पूरा जो जो मैंने बोला उससे ज्यादा इसमें लिखना नहीं होता, इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। तो अब मैं इस पार्ट को, बायोटिक पार्ट को हाथ से ही यहाँ पे रख कर देते हैं। अब हमें किस पे ध्यान देना है, ए बायोटिक पे, और ए बायोटिक पे सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेस ले रहे हैं। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस में कौन सा है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ और स्लोप में पाए जाते हैं, और दूसरा पार्ट है जो डीप सी प्लेन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ में और कॉन्टिनेंटल स्लोप में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा सारा कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करूं तो कुछ डायग्राम आपको ऐसा याद आ रहा होगा, ये कॉन्टिनेंटल राइज हो गई, तो ये वो कॉन्टिनेंट सेल्फ CS और ये वो कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब इसमें चार पांच मिनरल्स जो है उनके मैं नाम बोल देता हूँ, आप ऐसे ही इसके साथ साथ लिख देना। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है मोनाजाइड, ठीक है, हेमेटाइड, फिर उसके बाद आपके गोल्ड, गोल्ड को प्लेसर डिपॉजिट ज्यादा अच्छा लिखा है, प्लेसर डिपॉजिट, फिर उसके बाद हो गए आपके डायमंड भी मिलते हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, मोनोजाइड हो गए, हेमेटाइड हो गया, और आपके प्लेसर डिपॉजिट हो गए, डायमंड हो गए, अब एक रह गया आपका जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम बहुत ज्यादा पोटेंशियल रिसोर्स माना जाता है, और प्लेटिनम। तो ये सारे रिसोर्सेज हो गए कहाँ मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में मिलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ और स्लोप में गोल्ड डायमंड प्लेटिनम कहाँ से मिल गया, तो हमें इसके एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कि हमारे अर्थ पे वो भी मैरीन सिस्टम में जो क्या कहते हैं, एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, कॉन्टिनेंट स्लोप होता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज होता है, फिर उसके आगे डिमर्सल या पूरा आपका एबाइसल प्लेन स्टार्ट होता है। तो इसमें देखते हैं मोनाजाइड। मोनाजाइड जो है ये आपको पता है कि किसका है, थोरियम डिपॉजिट है, तो उसके आगे लिख दो मोनाजाइड के आगे थोरियम, और थोरियम डिपॉजिट जो है पूरे भारत में जो है कोस्टल एरिया मिलता ही मिलता है, तो एग्जांपल लिख दो इंडियन कोस्ट। हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या है, लोहो का अयस्क है, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ में लोहा मिल रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसका एग्जाम्पल है आगे लिखो कोस्ट ऑफ जापान और USA, वहां पे भी ये कोस्टल एरिया में मिलता है क्या, आयरन ओर। अब आपको लग रहा हो आयरन ओर तो मेन कॉन्टिनेंटल एरिया में मिलना चाहिए, ठीक है, ये ओशनिक एरिया में क्यों मिलता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल सेल्फ का ही वो पार्ट होता है कहीं कहीं पे। गोल्ड प्लेसर कहाँ मिलते हैं, प्लेसर डिपोजिट का मतलब ही क्या होता है, GOLD गोल्ड लिख लो। गोल्ड भी आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसके एग्जाम्पल लिखो ऑस्ट्रेलियन कोस्टल रीजन, फिर इसमें साउथ अफ्रीकन कोस्ट रीजन में भी मिलता है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है तो
तो इसके लिए सॉरी। अब है क्या, डायमंड और प्लेटिनम, डायमंड और प्लेटिनम को एक साथ करो। और ये भी कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में और साउथ अफ्रीकन कोस्ट में, सेम जो है इसकी लोकेशन है। फिर आपका मिलता है क्या, जिरकोनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। वैसे छोटा मोटा हर जगह मिलता है, लेकिन मेजर इसके जो है रीजन जो है यही है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सब में कॉमन ही है, एक किसको छोड़ के, मैग्नेटाइट को छोड़ के, वो कहाँ में मिल रहा है, जापान और यूएसए में मिल रहा है। फिर इसके बाद जो है ये देखो, ये पार्ट हमने पूरा कर दिया कॉन्टिनेंटल स्लोप में। अब देखते हैं डीप सी प्लेन या एवाइसल प्लेन में कौन कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है डीप सी प्लेन, ये एवाइसल प्लेन, इसमें कौन कौन से मिलते हैं। इसमें जो है तीन जो है इंपॉर्टेंट हमारे मिलते हैं। पहला है मैग्नीशियम नोड्यूल्स, इसका नाम आपने सुना होगा। देखो जब भी मेरे रिसोर्सेज का क्वेश्चन आता है तो वो क्या करते हैं, इन मिनरल्स का नाम सुनना चाहते हैं और इनकी लोकेशन सुनना चाहते हैं, उनसे आंसर बन जाता है। तो पूरा टेक्निकल आंसर होता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। वो चार्ट जो हमने बनाया ना, उसी को देख के वो डिटरमाइन करते हैं कितने नंबर मिलने, और चार्ट हमारा बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम नोड्यूल हो गया। दूसरा क्या होता है, इसमें मेनली फॉस्फेट नोड्यूल होता है, फॉस्फोरस लिख दो, फॉस्फोरस नोड्यूल, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा कोवाल्ट के भी नोड्यूल्स जो है मिलते हैं, इसको फॉस्फेट करो, फॉस्फेट ज्यादा सही है, फॉस्फोरस अच्छा, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये हो गए आपके डीप सी प्लेन में। अब हमारा कौन सा पार्ट रह गया, मिनरल फ्यूल्स और कौन सा पेट्रोलियम। कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ही पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के जितने भी रिसोर्सेस हैं, इवन किसके, नेचुरल गैस के रिसोर्सेस भी पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स मतलब ये वाला बॉक्स हम कर रहे हैं, मिनरल फ्यूल्स में कौन कौन से होते हैं। एक आता है गैस हाइड्रेट, दूसरा आता है आपका पेट्रोलियम, ये जो है मेन जो है गैस हाइड्रेट पेट्रोलियम, और आपका गल्फ वाली कंट्री पूरी कौन सी हो गई, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये जो है क्रूड ऑयल लिख दिया, तो अब नेचुरल गैसेस भी लिख दो, नेचुरल गैसेस, ये सारे हो गए मिनरल्स फ्यूल। अब इसके बारे में कुछ चीजें बोल रहा हूँ, खुद से लिखो। गैस हाइड्रेट, इसके आगे लिखो गैस हाइड्रेट जनरली कॉन्टिनेंटल सेल्फ के पास में 500 मीटर की डेप्थ में मिलते हैं। क्या, गैस हाइड्रेट। गैस हाइड्रेट का निर्माण क्या होता है, जो मरीन हमारे एनिमल्स होते हैं, जो इनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट्स जब हाई टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन प्रेशर के अंदर बहुत साल तक समुद्र के नीचे कॉन्टिनेंटल सेल्फ में 500 मीटर की गहराई पड़े रहते हैं, तो जो इनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके चारों ओर क्या होता है, मीथेन गैस अपने आप आ जाती है, और कुछ आइस के क्रिस्टल भी आ जाते हैं, इन्हीं को हमें एक्सप्लोर करना होता है। तो गैस हाइड्रेट क्या है, एक तरीके से मीथेन गैस और आइस के क्रिस्टल है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये कैसे बनता है, मरीन बायो प्रोडक्ट से, इतना ही हमें लिखना है। गैस हाइड्रेट की लोकेशन में लिखो जापान एंड यूएसए। अब आ जाओ सीधे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का आपको पता है दुनिया भर का झगड़ा, ओपेक कंट्री के नाम लिख दो, पेट्रोलियम रिसोर्सेस आपके खत्म हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट जरूर लिखना, बाकी गल्फ ऑफ मैक्सिको भी लिख सकते हो, अलास्का से भी अब कुछ नेचुरल गैस आ रही है, नॉर्थ सी भी लिख सकते हो, मिडिल ईस्ट आपको लिखना ही लिखना है। और जहां पे क्या क्रूड ऑयल और पेट्रोल मिलेगा, वहां पे नेचुरल गैसेस भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये रिसोर्सेज भी क्या है, लोकेशन से सबकी लोकेशन लगभग लगभग सेम है, ठीक है। अब लेकिन इसमें कतर का नाम याद जरूर रखना, क्योंकि कतर क्या कर रहा है, अपने पेट्रोल को खत्म करके एक्सप्लोर को किस पे काम कर रहा है, नेचुरल गैस पे, और भारत को सबसे ज्यादा देता है, तो इस चीज को भी आप याद रखना। तो ये पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, एनर्जी रिसोर्सेज, और इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि जो नाम है वही काम है। सबसे पहले देखो एनर्जी रिसोर्सेज, टाइडल एनर्जी, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। टाइडल एनर्जी में क्या होता है, हमें पता है कि भारत के कुछ कुछ इलाकों में टाइड बहुत अच्छी हाइट की आती है, तो जब टाइड आती है तो वहां पे क्या करना पड़ता है, घिरनी लगा देते हैं एक तरीके से, वाटर आया, ठीक है, तो जैसी वाटर आया
लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, और लॉक्स दो है ना वो बंद कर दिए जाते हैं, तो पानी ऊंचाई के लेवल पे आ गया। अब क्या होगा, जैसे वाटर फिर से फ्लो करेगा तो नीचे से घिरनी हिलते हुए जाएंगी, ठीक है, और जैसे वो लॉक्स को खोलेंगे तो वाटर जो है दोबारा अपने आप जाएगा। ये तो हो गया आर्टिफिशियल तरीका, और नेचुरल तरीके से ये पता ही है, टाइड आएगी तो फिर जाएगी भी, और ये हमेशा आती है, ठीक है, आपके रात में आएगी आएगी, तो क्या होगा, हम एनर्जी को स्टोर कर देंगे टाइडल एनर्जी से, और टाइडल एनर्जी का जो रीजन है, इवन टाइडल पोर्ट की बात करें तो कांडला पोर्ट है, तो दुनिया में जहां जहां टाइडल हाइट अच्छी होगी वहां पे हम यूज कर सकते हैं किसको, टाइडल एनर्जी को। अगला है वेव एनर्जी, वेव एनर्जी में भी सेम टाइडल कॉन्सेप्ट होता है, और टेक क्या, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। हमें पता है कि इस पूरी दुनिया में 70% के आसपास क्या है, वाटर, समुद्र के सोर्सेस है, और ऊपर से सन की रेज हमेशा पड़ी रही है, तो सन कितना गर्म कर देता होगा पानी को, ठीक है, और जब क्या होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर सन साउथन हेमिस्फीयर में चले जाएगा तो वहां ठंड पड़ जाएगी, तो ठंडा भी करता है, तो वाटर के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है एक सर्टिन हाइट पे गर्म हो जाना ठंडा हो जाना, इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसमें, एनर्जी में, और वही होता है कॉन्सेप्ट है, और वही ETC कॉन्सेप्ट है। तो आप याद रखना एनर्जी रिसोर्सेज में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये थर्मल टाइडल एनर्जी ये लगभग लगभग सेम ही है, फिर भी इसका एक दो नोट्स दे दूंगा, किसके दूंगा, टाइडल एनर्जी के, तो थोड़ा अगर लिखने को आ गया तो आप लिख दोगे। अभी तबीयत बहुत खराब सी चली रही है, मरीन रिसोर्सेज यहाँ पे खत्म होते हैं, इसके बाद हमारा क्या रह गया है, सुनामी रह गया है, और कुछ हमारी क्या रह गई है, वेव्स रह गई है, फिर इसका हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।